नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शिल्पा रावत। आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश, पांच साल पांच काम पांच सवाल। सात चरणों में हो रही लोकसभा के पांच चरणों की मतदान प्रक्रिया पूरी हो चुकी है, जबकि छठे चरण के लिए 12 मई को मतदान होगा। इसी चरण में उत्तर प्रदेश के डुमरियागंज लोकसभा सीट पर भी वोट डाले जाएंगे, यानी मतदाता अगले पांच साल के लिए चुनेंगे अपना जनप्रतिनिधि। लेकिन क्या होंगे वो मुद्दे जो बनेंगे चुनाव का आधार? पिछले पांच सालों के दौरान हुए विकास कार्यों से जनता कितनी खुश है और सांसद की ओर से हो रहे दावों की हकीकत क्या है? इन्हीं सवालों और सांसद की रिपोर्ट कार्ड के साथ आज हम पहुंच रहे हैं उत्तर प्रदेश की लोकसभा सीट डुमरियागंज में। नेपाल सीमा से सटा डुमरियागंज लोकसभा क्षेत्र एक समय कांग्रेस का गढ़ माना जाता था, जिस पर 2014 लोकसभा चुनाव में बीजेपी कमल खिलाने में कामयाब रही। 2014 में बीजेपी के टिकट पर जगदम्बिका पाल ने जीत दर्ज की। एक समय बस्ती जिले का हिस्सा रहा डुमरियागंज, अब सिद्धार्थ नगर की तहसील है, जो कि यूपी के पिछड़े इलाकों में आता है। हालांकि सांसद जगदम्बिका पाल का दावा है कि उन्होंने संसदीय क्षेत्र के विकास के लिए हर मुमकिन कोशिश की है। डुमरियागंज से जगदम्बिका पाल इस बार हैट्रिक मारने की तैयारी में है। इस बार फिर बीजेपी ने अपना प्रत्याशी बनाया है। पिछले पांच सालों में बतौर सांसद पाल साहब ने क्या कुछ डुमरियागंज की जनता के लिए किया है? पाल साहब, पांच साल, हालांकि आपका 10 साल हो गया, इन 5 सालों की बात अगर हम करें तो ऐसे कौन से बड़े काम है 5 जो आपने डुमरियागंज की अपनी जनता के लिए किया है? देखिए, डुमरियागंज या सिद्धार्थनगर के लिए देश की आज़ादी के बाद एक कल्पना थी कि गोरखपुर से हम डुमरियागंज, बांसी, उतरौला, बलरामपुर, बहराइच को रेलवे लाइन से जोड़ें। ये पिछले 43 सालों से संघर्ष चल रहा था। उतरौला का संघर्ष था, लोग बलरामपुर में संघर्ष कर रहे थे, डुमरियागंज में संघर्ष था, बांसी में एक रेल रोको को बाबा कहलाते हैं, धरना प्रदर्शन। लेकिन आज़ादी के बाद से कदाचित कांग्रेस के रेल मंत्री महावीर प्रसाद जी हुए, वो गोरखपुर से दोहरी घाट रेल लाइन जोड़ना चाहते थे रेल मंत्री के रूप में, वो नहीं कर पाए। और उत्तर प्रदेश में आज़ादी के बाद पहली बार 240 किलोमीटर नई रेल लाइन खलीलाबाद, मेहदावल, खिसरहा, डुमरियागंज, बांसी, उतरौला, बलरामपुर, बहराइच, श्रावस्ती, 240 किलोमीटर 4,940 करोड़ की परियोजना स्वीकृत हुई है। आज वो एक मेडिकल कॉलेज दिया, पासपोर्ट ऑफिस अभी बस्ती में नहीं है, डिविजनल हेडक्वार्टर है, लखनऊ में है, गोरखपुर में है। आज सुषमा स्वराज जी से मैंने कहा कि ये सिद्धार्थनगर है, नेपाल की हमारा पड़ोसी है और बहुत लोग यहाँ से जाते हैं बाहर, एक पासपोर्ट ऑफिस खुलना चाहिए। तो एक बड़ा पासपोर्ट ऑफिस खुला, मुख्य डाकघर जिस तरह से लखनऊ में होता है, अभी बस्ती गोरखपुर का अपना भवन नहीं है जीपीओ का, जनरल पोस्ट ऑफिस का, वो जीपीओ खुला। इस जनपद में कोई हाईवे नहीं था, 2 नेशनल हाईवे लिया। आप विकास की बात कर रहे हैं, आपने कहा कि मैंने एजुकेशन पे काम किया, यहाँ पे केंद्रीय विद्यालय लाया, मैंने हेल्थ पे काम किया, मेडिकल कॉलेज यहाँ पे आ रहा है, रेलवे से जोड़ा इसको, रोड भी बन रहा है, जो शिकायतें हो रही थी तो इस बार। लेकिन समीकरण कहा जा रहा है कि जाति आधार जो है ना वो आपको कमजोर कर रहा है। एसपी बीएसपी अब गठबंधन में है, जो पिछले साल नंबर 2 और नंबर 3 पे थे, इस बार जुड़ जाएंगे तो वो आपसे ऊपर जा रहे हैं जो आंकड़े हैं वोटों के, तो उसमें आप कैसे देख रहे हैं इसको? चुनाव अर्थमेटिक नहीं होता है, इस बार कोई कास्ट पे चुनाव नहीं होगा। इस बार मुद्दा होगा कास्ट नहीं, राष्ट्र होगा। कोई चुनाव कास्ट पे नहीं हो रहा, इस बार राष्ट्र पे हो रहा, राष्ट्र के स्वाभिमान पे हो रहा, राष्ट्र की रक्षा पे हो रहा। तो इस बार का चुनाव कास्ट वर्सेज राष्ट्र का है। तो आपको लगता है कि आपके लोकसभा क्षेत्र में डुमरियागंज में ये जो मुद्दा है ये काम करेगा राष्ट्रवाद के नाम पे? अभी आपने पूरे मुद्दे कहां सुने, मान लिया मैंने कुछ विकास के कार्य किए प्रदेश से केंद्र से, ये एक जो देश के स्वाभिमान शौर्य की बात हुई मैंने उसकी बात की। तीसरी बात, आप गांव में तो चलिए, गांव में 1,26,000 परिवारों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि में 6,000 की 2-2 किस्त आ गई, 4,000 की। गांव में जाइए, जिन्होंने ढिबरी और लालटेन युग में रह रहे थे, निःशुल्क किसी जाति का हो, सबका साथ सबके विकास पे, नहीं कि हिंदू, मुसलमान, दलित, बैकवर्ड, किसी के घर में बिजली का कनेक्शन नहीं था, सौभाग्य बिजली का कनेक्शन दिया।
आयुष्मान में केंद्र की तमाम योजनाएं पहुंची है जनता तक, पहुंची है, आप वेरीफाई कर लीजिए। ग्राम स्वराज अभियान चला करके हम लोग गांव गांव में चौपाल लगा करके संगठन प्रशासन सरकार के साथ हमने वेरीफाई किया, बांटा अपने हाथों से। डुमरियागंज लोकसभा क्षेत्र में चिकित्सा सेवाओं की हमेशा से कमी महसूस की जाती रही है, जिसे दूर करने के लिए मेडिकल कॉलेज का निर्माण कराया जा रहा है, अन्य विकास कार्य भी जारी हैं। हालांकि लोग मानते हैं जिस गति से विकास कार्य होना चाहिए था, विकास उस गति से नहीं हुआ। ये सिद्धार्थनगर जिला है और डुमरियागंज इकलौती यहाँ की लोकसभा सीट है, जहाँ से जगदम्बिका पाल एक बार फिर बीजेपी के प्रत्याशी हैं। बतौर सांसद उन्होंने 5 साल में सिद्धार्थनगर और डुमरियागंज लोकसभा का विकास करने का दावा किया। दरअसल एक बड़ी समस्या जो यहाँ पे थी वो इंसेफ्लाइटिस को लेकर थी। स्वास्थ्य की बात करें तो उनका दावा है कि स्वास्थ्य पर भी उन्होंने काम किया है। शहर को मेडिकल कॉलेज मिलने जा रहा है, जिसकी स्थापना जो है वो हो गई है, काम शुरू हो गया, कुछ दिन में बनकर तैयार हो जाएगा। कुछ लोग हमारे साथ हैं। सर नाम क्या आपका? अफजाल। अफजाल साहब, एक बड़ी समस्या यहाँ पे जो है वो इंसेफ्लाइटिस को लेकर थी, पूरा पूर्वांचल प्रभावित था और ये जिले तो खास तौर पर थे। सांसद महोदय का दावा है कि इससे निपटने के लिए हमने जो है यहाँ पे एक मेडिकल कॉलेज की व्यवस्था की है, मेडिकल कॉलेज का निर्माण करा रहे हैं, ताकि बच्चे जो इंसेफ्लाइटिस से मरते थे, गोरखपुर जाते वक्त दम तोड़ देते थे, वो ऐसा ना हो पाए। सर ये आगे का प्लान है और जो लगता है कि समय लगेगा उसे पूरा होने में और उस प्रोजेक्ट को पूरा होने में। जैसा कि सभी जानते हैं मेडिकल कॉलेज या एम्स का प्लान जो है बड़ा प्लान होता है, लेकिन बतौर सांसद आप इनके काम को कैसे देखते हैं? जगदम्बिका पाल के काम को अच्छा काम किया है पाल साहब ने, लेकिन अभी भी जो है बहुत से क्षेत्र ऐसे हैं जहां काम करने की जरूरत है। अब जान साहब कह रहे हैं कि कई सेक्टर्स में काम हुए हैं, लेकिन बहुत सारे सेक्टर अभी भी अछूते हैं, खास करके शिक्षा के तौर पर। आपको आपके सांसद का काम कितना पसंद है? वो दावा कर रहे हैं कि उन्होंने यहाँ रेलवे कनेक्टिविटी जोड़ा जो कई सालों से 30 सालों से नहीं हो पाया था। रेलवे लाइन जोड़ दी यहाँ पे, अब लखनऊ से आप जा सकते हैं, यहाँ से दिल्ली की ट्रेनें शुरू हो गई, वो सब नहीं थी पहले व्यवस्था। आपको लगता है सच्चाई इसमें है? ठीक है, रेलवे के मामले में तो अच्छा विकास हुआ है और अभी और उम्मीद भी है, होना भी चाहिए। और जिस तरह से बहुत पिछड़ा जिला है, बहुत सारे यहाँ डेवलपमेंट चाहिए, जिसके लिए पाल साहब को या जो भी आने वाले सांसद महोदय हैं उनको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। तो आप अपने सांसद को कैसे देख रहे हैं? बतौर सांसद कितने सफल मानेंगे आप पाल साहब को? अभी तो ठीक है, अभी तक के जितने सांसद रहे सिद्धार्थनगर में उनमें तो सबसे अच्छे हमको यही दिखाई दिए। अच्छा, इनका काम बेहतर रहा? और लोगों से तो बेहतर रहा, जितने भी थे अब तक जो सांसद उनसे बेहतर काम किया उन्होंने। 10 साल हो गया उनको, तो लगातार 2 बार जीत गया। जी जी जी, एक लंबा टाइम टाइम भी इनको अच्छा मिल गया। आप लोगों ने, जनता ने लंबा वक्त दिया है, 2 बार सांसद हैं यहाँ से, लगातार 3री बार की तैयारी वो कर रहे हैं, लेकिन कितना कुछ बदलाव हुआ और कैसे काम हुआ है, आप बतौर सांसद अपने जगदम्बिका पाल को कैसे आंकते हैं? कितना काम के कसौटी पर कितने खड़े उतरे हैं वो? 100% तो नहीं था उतने खड़े, लेकिन ये है कि फिर भी उन्होंने कोशिश काफ़ी की है काम के लिए और कर रहे हैं और उम्मीद है कि आगे भी करते रहें। ये जो काम गिनवा रहे हैं, दावा वो कर रहे हैं कि हमने जो है रेलवे कनेक्टिविटी जोड़ा, हाईवेज का निर्माण भी करवा रहे हैं, हालांकि पूरा नहीं हुआ है, वो कह भी रहे कि थोड़ा वक्त लगेगा, सड़कों से जोड़ा है, बिजली की व्यवस्था ठीक हुई है, राज्य सरकार की देन है हालांकि ये, लेकिन वो कह रहे हैं कि इस पर हमने काम किया है, उज्ज्वला योजना, सौभाग्य योजना, ODF, ये सब भी गाँव में पहुँचा है। पहुँचा क्या? 100% तो नहीं था, लेकिन यह कि कुछ कोशिश कर रहे हैं वो कि अपना हो जाए काम किसी ढंग से, लेकिन हो नहीं रहा। आपको क्या लगता है कि जो कुछ सांसद दावा कर रहे हैं उनमें कोई सच्चाई है? हाँ सर है, तो काम तो चल ही रहा है हर चीज़ का, से मेडिकल आपके खुल रहे हैं और रेलवे का भी काम हो ही रहा है, लेकिन अच्छी तरीके से नहीं हो पाया है। यहाँ भी रोड बन रहे हैं 4 में, वो भी बहुत दिनों से, कई सालों से बन रहा है, अभी तक पूरा नहीं हो पाया। अच्छा, नाम क्या भाई आपका? अशोक सिंह। अशोक जी, तो समस्याएं क्या, मतलब आपको लगता है कि बतौर सांसद ये कुछ काम करने में सफल हो पाए हैं 5 सालों में? सर अभी तो 10 सालों से यही है काम कर रहे हैं, इसलिए आ रहे हैं, अब जैसा हो रहा है जैसे, अब आगे देखते हैं क्या काम होता है उस हिसाब से उनको। इस बार तो गठबंधन भी आ गया है सर, उसमें क्या कहा जा सकता है, अब जनता को देखना पड़ेगा, तय करेगी। भैया आप नाम बताइए अपना। इरशाद अहमद खान। अच्छा खान साहब, इस बार कहा जा रहा है कि पाल साहब काम तो कर रहे हैं, जैसे आप लोगों ने भी बताया काम किया बहुत, लेकिन इस बार मुकाबला बहुत यहाँ पे कांटे का है। जी, कांटे का है सर, गठबंधन और भाजपा में यहाँ दोनों का बहुत वो रहेगा, कांटे की टक्कर। लेकिन वो कह रहे हैं कि राष्ट्र है, कास्ट नहीं है, इस बार कास्ट पे वोटिंग नहीं हो रही है और ये गठबंधन कास्ट पर आधारित गठबंधन है। नहीं सर, कास्ट की बात नहीं है, अब हमें अपने यहाँ का इलेक्शन हमेशा ही जातिवाद धर्म पे उस पर रहता है और आगे भी होता ही रहेगा।
संसदीय क्षेत्र के विकास को लेकर सांसद जगदम्बिका पाल ने दावा किया तो व्यापारी वर्ग अपना तर्क दे रहा है। डुमरियागंज में विकास के कुछ कार्य हुए जरूर हैं, लेकिन ऐसा कोई कार्य नहीं किया गया जिससे व्यापार को रफ्तार मिले। बाजारों की रौनक सियासी कहानी भी बयां करती है। इस वक्त हम सिद्धार्थनगर के बाजार में हैं और आप देख सकते हैं इस बाजार में हालात किस तरीके के हैं। जो व्यापारी हैं वो कह रहे हैं कि इस समय जो रौनक बाजारों में होनी चाहिए वो उनको नहीं दिखाई दे रही है। इसके पीछे वजह क्या है ये भी बात करके समझेंगे और पिछले 5 सालों में कुछ बदलाव इनको दिखाई दिया यहाँ पर या नहीं दिया वो भी समझने की कोशिश करेंगे। अभी सिर्फ नाम क्या आपका? सत्येंद्र कुमार सर। आप कह रहे थे कि बाजार की जो रौनक है वो उस तरह की रौनक दिखाई नहीं दे रही है, अमूमन इस वक्त में बाजारों में रौनक होती है, क्या वजह आप मानते हैं इसके पीछे? वजह क्या बताया जाए, लोगों का पॉकेट अलाउ नहीं कर रहा है, परचेजिंग पावर बहुत डाउन हो गया है और हो सकता है इलेक्शन की वजह से भी ऐसा, तो हम लोग सोचे भी नहीं थे कि इस टाइम में ऐसा पोजीशन रहेगा व्यापार का। ये सीजन शादियों का सीजन चल रहा है, शादियों का चल रहा है, बहुत बढ़िया चलना चाहिए। अब मार्केट आप देख ही रहे हैं क्या पोजीशन है, एकदम कंडीशन खराब है। और सियासत आप यहाँ के देख रहे हैं, सांसद हैं यहाँ पे पाल साहब, पिछले 5 सालों में उन्होंने कुछ किया है आप लोगों के लिए? अब इनके लिए क्या बताया जाए, रेल वगैरह में कुछ विकास किया है उन्होंने, बाकी तो नहीं कुछ दिखाई दे रहा है विशेष, कुछ खास दिखाई नहीं दे रहा आपको। अच्छा भैया आपका नाम क्या है? संतोष श्रीवास्तव। संतोष जी, पाल साहब दावा कर रहे हैं कि पिछले 5 सालों में उन्होंने शहर के लिए बहुत सारे काम किए, रेल से बात कर रहे थे, रेल से जुड़ा उन्होंने सिद्धार्थनगर को, मेडिकल कॉलेज दिया है, केंद्रीय विद्यालय दिया है, हाईवेज का निर्माण हो रहा है, आपको लगता है कि सब काम हुआ है कुछ? जी बहुत कुछ काम हुआ है। पाल ही एक ऐसे नेता है इस डुमरियागंज में, इनसे अच्छा कोई सांसद ना होगा, ना हुआ था ना होगा। अच्छा जी, तो कुछ बदलाव आप लोग के जीवन में आया उसके लिए? बदलाव है, वो ऐसे व्यक्ति हैं हर किसी से मिल लेंगे और हम किसी कभी भी उनसे बात कर सकते हैं, कभी भी जा सकते हैं, और कोई ऐसा सांसद ना कभी मिलेगा, नहीं मिला ऐसे सांसद। अभी नाम क्या आपका भैया? रवि शर्मा। रवि शर्मा जी, आपको क्या लगता है कि पिछले 5 सालों में कोई बदलाव सिद्धार्थनगर में जिस मार्केट में आप हैं यहाँ पर हुआ है, आपकी जिंदगी में हुआ है, कुछ बदलाव आपको दिखाई दे रहा है? बदलाव तो बहुत कुछ हुआ है, ठीक है, हमारा रेल विस्तारीकरण हो गया है और आज की डेट में जो हमारी नौजवानों की जो समस्या है इस जिले के अंदर मुख्यालय हेडक्वार्टर पर कि यहाँ पे पढ़ाई के मामले में शून्य है। हालांकि सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी बनी लेकिन हमारे मुख्यालय से करीब 25 से 30 किलोमीटर दूरी पे है और आज का जो हमारा यहाँ का मार्केट का डेवलपमेंट है, शिक्षा अगर यहाँ पे बढ़ेगी, हमारे यहाँ डिग्री कॉलेज बहुत पुराना है, माननीय पंडित रामशंकर मिश्रा जी के द्वारा बनाया गया है, एक ही डिग्री कॉलेज है, यहाँ पे बीएससी की पढ़ाई नहीं है, न एमए है, न यहाँ पे बीएससी एजी है। यहाँ से अगर छात्र आ जाता तो किताब कापी की दुकानों में बढ़ोतरी होती और छात्रावास बनते जिससे हमारा व्यक्तिगत लाभ होता, बाजार में रौनक बढ़ती। तो आपको लगता है कि बतौर सांसद कुछ काम किया इन्होंने? सांसद के तौर पे काम किया जो, लेकिन हमारी मूलभूत आवश्यकता है उन्होंने दरकिनार किया उसको। क्या नाम आपको भैया? गंगा। अच्छा गंगा जी, आप बताइए कि बतौर सांसद जगदेव पाल जो है उनके काम को आप कैसे देखते हैं, कुछ काम किया उन्होंने यहाँ पे? काम तो किया उन्होंने, क्या नाम, अच्छा काम किया है उन्होंने इस जिले के लिए और काफी अच्छे सांसद है वो, और फिर उनका व्यक्तिगत ही का नाम है, उनका व्यवहार अच्छा है, व्यवहार अच्छा है। कुछ लोग मानते हैं कि सांसद जगदम्बिका पाल पिछले 5 सालों में जनता की अपेक्षाओं पर पूरी तरह खरे उतरे हैं। सांसद जी हमारे ऐसे हैं, मतलब वो कहीं भी जाएं, किसी से भी मिले, कोई भी काम हो तुरंत होता है, ये नहीं है कि नहीं होता है। अच्छा हाँ, हमारे पाल जी समझ लीजिए बहुत ही अच्छे हैं। वो कह रहे हैं कि हमने जो है इस तराई के क्षेत्र को यूपी के एक नक्शे पिलाया है, पूरा रेलवे का जो है नेटवर्क बिछाया, यहाँ पे रेलवे से जोड़ा है, हाईवे बना रहे हैं। सही है, हाँ, केंद्रीय विद्यालय लाने का दावा कर रहे हैं जी, है। हाँ। आपको लगता है कि बेहतर सांसद है वो? हाँ, बेहतर से। अच्छा ये लोग कह रहे हैं कि बतौर सांसद इन्होंने कुछ काम किया है यहाँ पर, और भी कुछ लोग हैं भाई। नाम क्या आपका दोस्त? रोहित, आपको क्या लगता है आपके जीवन में कोई परिवर्तन आया 5 सालों में, कोई बदलाव लगा आपको? ऐसा कुछ नहीं लग रहा सर जी, कोई बदलाव नहीं, कुछ नहीं, 2 साल से हम बैठे हैं यहाँ, कुछ नहीं दिख रहा है। देखिए सीजन का महीना लगन चल रहा है शादी का, इतने बड़े मार्केट है, ऐसा कुछ नहीं लग रहा है यहाँ। क्या वजह मानते हैं आप इसका? इससे वजह मान विकास नहीं है सर जी यहाँ, किसी सांसद तो कह रहे बड़े विकास किया उन्होंने पूरे 5 सालों में, हमारे पूरे मार्केट में पूछ लीजिए, किसी से पूछ लीजिए, कोई विकास नहीं है यहाँ पे। बड़ी समस्या बिजली की थी, अब वो कह रहे हैं कि बिजली की समस्याओं को हमने दूर कर दिया, शहरों में तो 18 घंटे से 20 घंटे बिजली हो रही है। नाम क्या आपका भैया?
महेंद्र कुमार। अच्छा, आपको लग रहा है कि ये बिजली की समस्या दूर हुई है? पहले व्यापारी बहुत परेशान थे बिजली की वजह से। बिजली की समस्या कुछ तो ठीक हुई है, और इधर का नाम है बिजली, फिर गर्मी जो शुरू हुई बिजली फिर अपने उस पे है, बहुत अच्छी। पिछली बार तो चुनाव में मुद्दा बन गया था बिजली, आपको याद होगा? नहीं, इस चुनाव में तो आप जान ही रहे कोई मुद्दा नहीं है। इस बार बिजली मुद्दा नहीं है? हाँ, मुद्दा नहीं है इस चुनाव में कोई विशेष। बिजली मुद्दा बनेगा क्या इस बार? पिछली बार तो बिजली मुद्दा बन गया था, इस बार तो कह रहे हैं बिजली हम 18 से 22 घंटे दे रहे हैं गाँव में, शहरों में, जो जिला मुख्यालय है। तो सर, बिजली तो बहुत अच्छी मिल रही है, 2-3 घंटे की बात नहीं है, लेकिन 22 घंटा 21 घंटा तो मिल रही है, मिल रही बिजली बहुत अच्छी। इस बार बिजली कोई मुद्दा नहीं है? नहीं, मुद्दा है क्या, क्या समस्या है? मुद्दा कुछ भी नहीं है, बस ये है कि विकास की मुद्दा है हमारे। विकास आप क्या हुआ है? विकास हुआ है, लेकिन कुछ सड़कें वड़के जो रह गई थी किसी कारण से, फिर से काम चालू है, बाकी तो सब सही है। तो बतौर सांसद क्या उम्मीदें थी आपको? उनसे उम्मीदें थी, लेकिन वो उस पर खड़े नहीं उतरे। हमारे जहाँ के जिले के बॉर्डर से जहाँ रोड चालू होती थी, वहाँ की रोडें बहुत खराब हुआ करती थी, अब जाके उस पर काम चल रहा है। पूरे प्रदेश में, देश में काफी रोडें बनी, लेकिन सिद्धार्थनगर जिले की रोडें नहीं बनी, तो अब चालू हो रहा है, चुनाव आ गया, इस नाते उन्होंने ये सब चालू कराया। डुमरियागंज संसदीय क्षेत्र की 70% से ज्यादा जनसंख्या ग्रामीण इलाकों में रहती है, लेकिन ग्रामीण अंचल में विकास की तस्वीर शहरी इलाकों की अपेक्षा कहीं ज्यादा धुंधली नजर आती है। डुमरियागंज में करीब 70% आबादी जो है वो गांव में रहती है, यानी कि ग्रामीण क्षेत्र इस लोकसभा क्षेत्र में है, और यहाँ पर जो दावा है सांसद का कि गांव में विकास पहुंचा है, तमाम केंद्र की योजनाएं जो है वो गाँव तक पहुंची है, घरों में शौचालय बने हैं, लोगों को गैस सिलेंडर के सिलेंडर मिले हैं, बिजली आ रही है, हम एक गाँव में पहुंचे हैं। और ये कोयरी पूर्वा गांव है, यहाँ के लोगों से जानेंगे कि क्या कुछ समस्याएं थी और कुछ काम हुआ कि नहीं। आप लोग गांव में कोई सुविधा वुविधा मिली है क्या पिछले 5 सालों में? गांव में सुविधा तो ऐसे मतलब कुछ नहीं है, लेकिन अब लाइट वगैरह का तो मिला है। कुछ लोग ऐसे हैं कि मतलब शौचालय भी बनवाए हैं, तो और सुविधा क्या मतलब है? गाँव में शौचालय सब घर में बन गया है? कुछ घर में नहीं, कुछ घर में बना है, बाकी सब घर में नहीं बना है। अच्छा, बिजली गाँव में है आपके? हाँ, बिजली है गाँव में। कैसे रहती है बिजली, क्या आती है? आती है, मतलब अभी समय तो मतलब बराबर रहती है, लेकिन अब कुछ समय के पहले मतलब कभी कभी था, अब ठीक है बिजली। अभी समय मतलब लाइट अच्छा है। अच्छा है। सांसद जी ने तो ऐसा विकास कुछ नहीं किया है, मोदी जी का मतलब जो देन है, मोदी जी का देन है। अच्छा, ये सब जो है मोदी जी की वजह से? मोदी जी का देन है, सांसद की भूमिका कोई नहीं है, सांसद को कोई जानता ही नहीं है। आप बताइए कि आपके गाँव में जो है, जो सांसद कह रहे हैं कि बिजली की व्यवस्था कर दी है, गैस कनेक्शन मिल रहा है, वो सब मिला आप लोगों को? शौचालय मिला, घर मिला क्या? नहीं, शौचालय तो अभी हम लोगों को नहीं बना हुआ है। अच्छा, आपको मिला है कुछ सुविधा उधर? हाँ, गैस चूल्हा मिला है। गैस चूल्हा मिला आपको? हाँ, फ्री और मिला, फ्री मिला है। हाँ। और वो मिला है पैसा आवास के लिए? घर है, मकान है अपना? मकान है, अपना है। हाँ, अपना। अच्छा, तो इसलिए जरूरत नहीं है उसको आपको? हाँ। और किसानों को जो पैसा मिल रहा है सरकार दे रही है, वो मिला क्या? नहीं मिला सरकार। अच्छा, उन्हें मिला? नहीं मिला। सांसद जी को कभी देखा आपने, आपके यहाँ आए? नहीं, कभी नहीं देखा है। अच्छा, उनके काम को कैसे कहेंगे? पास में कुछ काम किया उन्होंने? नहीं, कुछ नहीं किया है। कुछ नहीं किया? हाँ, देखिए सड़क, ये गांव में देखिए सड़क, ये सब कचरा भरा ना करने सफाई आते हैं। हाँ, साफ साफ करने के लिए। हाँ, तो कुछ होता नहीं काम? हाँ। अच्छा, वो कह रहे हैं कि बहुत विकास किया है बहुत गाँव में, आपको लगता है आपके गाँव विकास हुआ? नाम क्या आपका? चंद्रवली साहब। अच्छा चंद्रवली जी, आप बताइए कुछ हुआ है आपके गांव में काम? अब हमारे गांव में कुछ नहीं भाई साहब, न सरकारी चूल्हे मिला, क्यों एक मिला पाई गए नहीं भर, बहुत दौरा के चरचर दाई भराव के नहीं मिला कोदाई, और न हमन के सड़क सही है, कोनो सुविधा नहीं है। बिजली बिजली है, मिलती है क्या बिजली वगैरह? पहले आवत रहा भाग जाए, लेकिन अब सही आवत है। हाँ। तो बिजली का आराम है बस आपको, और कुछ नहीं मिला? ग्रामीण इलाकों में सांसद जगदम्बिका पाल से नाराजगी जरूर नजर आती है, ये बात और है कि इस नाराजगी पर मोदी मैजिक भारी नजर आता है। हम लोग को मिला है, हम लोग पल्ली तान के हैं, कह रहे थे आवास मिल जाएगा, आवास भी नहीं मिला। गैस सिलेंडर कुछ नहीं सर। शौचालय वगैरह कुछ नहीं? गाँव में बनाया शौचालय? कुछ नहीं। कुछ नहीं गाँव में, कोई सुविधा नहीं मिली? नहीं सर। तो वो कह रहे हैं जो कि हमने विकास किया है, वो झूठ बोल रहे हैं? जी सर। आपको लगता है झूठ बोल रहे हैं? जी। भैया क्या नाम आपका? मौर्या नाम। जी आप बताइए, कुछ मिला वाला आप लोगों को विकास, कुछ हुआ गांव में? जी गांव में विकास उतना नहीं हुआ, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ तो हुआ मोदी जी के बाद। तो आप लोग क्या मोदी जी को वोट देंगे इस बार? जी मतलब सांसद के लिए मतलब नहीं है? नहीं सर। सांसद के लिए मतलब? नहीं नहीं, सांसद के लिए नहीं, मोदी के लिए जिंदा। मोदी के लिए क्यों? मोदी के भैया कहाँ है मोदी के लिए? जब काम ही नहीं हुआ कोई तो? मोदी तो काम वहाँ पे कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे घर घर पहुँच ही नहीं रहा, सब वहाँ जो बड़े लोग खा लेते हैं,
तो भाई आपको तो कुछ मिला ही नहीं, तो काहे मोदी को वोट दोगे? फिलहाल में मोदी को देंगे भैया। जब कुछ आपको नहीं मिला तो क्यों दोगे भैया? देखिए, देश के लिए मोदी बहुत ज्यादा आगे कर दिए हैं, ठीक है। अच्छा, लेकिन आपका गांव तो बहुत पिछड़ गया है। गांव मेरा पिछड़ गया, जब मोदी जी देश आगे करेंगे तभी गांव मेरा आगे होगा। क्या नाम आपके? निर्मला देवी। अच्छा, आप बताइए, आपके घर में कुछ है सुविधा? सरकारी मिला? का सुविधा भैया, घर द्वार कुल सरकारी हो गए, उजर जाए तो कहाँ रह जाए। आधा गांव सरकारी होगा, मुकदमा लड़ा था कब है घर द्वार? कैसे सरकार होगी, क्या होना है? अब सरकार लोग आई नाप के तीन तीन दाई ले गए ना, और का मुकदमा कर देना 8 लाख रुपया भरी की तो की तो बच्चन जी आई और की तो घर द्वार छोड़ के देश चला जाये। अच्छा, परेशानी है लेकिन ज्यादा? ये इस गाँव के लोग का मानना है की तमाम जो सुविधाएं केंद्र सरकार की है वो अभी तक पूरी तरह से नहीं पहुंची है। इक्का दुक्का लोगों को मिल पाया है। करप्शन जो है लोअर लेवल पे यहाँ पे ज्यादा है, इसीलिए उनका फायदा जो है गांव के लोगों को नहीं मिल पा रहा है। सांसद से भी बहुत ज्यादा ये लोग खुश नहीं हैं, लेकिन मानना यह है कि देश में विकास हो रहा है। इनका मानना है कि देश बदल रहा है, और इस लिहाज से जो इनकी सोच है वो दिखाती है कि इन अभाव में भी रह के ये लोग कहीं ना कहीं प्रभावी दिखाई देते हैं किसी पार्टी विशेष से। हालांकि गांव में जिस तरह की व्यवस्था होनी चाहिए थी वो नहीं है। ये इन लोगों का दावा है कि बिजली की व्यवस्था जो है वो गांव में सुधर गई है।